मुदज़िर रेल को ए जमा बी आयोटा की शक्ल में लिखें, मुख्तसर करें। अब पहले सवाल हमने किया था, इसका दूसरा जुज है हमारे पास दो जमा तीन आयोटा बटा चार मनफी आयोटा। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर बटे के अंदर आयोटा आ रहा होगा तो उसको हम हल नहीं कर सकेंगे डायरेक्ट, हमने इसको इस कम्प्लेक्स अदद की मुख्तसर शक्ल में लिखी ए जमा बी आयोटा, जिसमें हकीकी अदद अलहदा हो जमा उसका इमेजिनरी हिस्सा अलहदा हो। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो बटे में आ रहा है कम्प्लेक्स अदद क्या आ रहा है, चार मनफी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट आपने लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, चार जमा आयोटा, ठीक है। इससे आपने ज़रब भी कर देना है और आपने तकसीम भी कर देना है, ठीक है। ज़रब तकसीम करने के बाद ये इसके साथ ज़रब होगा और नीचे वाला, नीचे वाले बटे वाले कम्प्लेक्स अदद से ज़रब होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए जमा बी और ए मनफी बी वाला, ठीक है। तो ए जमा बी, ए मनफी बी का फार्मूला लगाया चार का मुरब्बा मनफी आयोटा का मुरब्बा, ठीक है। अब इसको हमने कैसे ज़रब करना है, पहले टू को चार जमा आयोटा से ज़रब करना है, फिर जमा थ्री आयोटा को इस पूरे से ज़रब करना है चार जमा आयोटा से, ठीक है। इधर आपने ज़रब किया तो आठ जमा दो आयोटा आया, अंदर आपने ज़रब कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चार का स्क्वायर सोलह मनफी आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है, मनफी एक, तो जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आ रहा होगा आपने उसकी कीमत दर्ज कर देनी है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा होगा आपने उसकी कीमत दर्ज कर देनी है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को आपने खोल दिया है, ये ब्रैकेट के बाहर जमा है तो इसमें अलामतें वही रहेंगी इसकी, ठीक है। जमा बारह आयोटा और जमा तीन आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की कीमत आपने दर्ज कर देनी है। आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है, माइनस वन, ठीक है। इधर आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है, माइनस वन। अब जमा तीन और माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस जमा हो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा एक। अब आपने क्या करना है, आठ और मनफी तीन को हल कर सकते हैं ना, ठीक है। आठ मनफी तीन क्या हो जाएगा, पाँच, और दो आयोटा जमा बारह आयोटा क्या हो जाएगा, चौदह आयोटा, दोनों के साथ जमा है तो ये जमा हो जाएगा। सोलह जमा एक क्या हो जाएगा, सतारह। अब ये सतारह जो है ये इस हकीकी अदद के नीचे भी तकसीम हो रहा है और इस इमेजिनरी के हिस्से के नीचे भी तकसीम हो रहा है, इसको हम अलहदा कर सकते हैं ना, यस सर। हकीकी अदद पे अलहदा कर दिया है तकसीम, जमा इमेजिनरी हिस्से पे अलहदा तकसीम कर दिया। अब देखो ये इस शक्ल में आ गया है ना, ये क्या है, ये हकीकी हिस्सा है ए, और ये इसका क्या है, बी आयोटा वाला हिस्सा है। तो ए जमा बी आयोटा की शक्ल में आ गया, अब ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। अब इसी का पार्ट नंबर थ्री है, नौ मनफी सात आयोटा बटा तीन जमा आयोटा। इसमें भी आपने ये करना है कि जो बटे के अंदर कम्प्लेक्स अदद है उसका आपने क्या कर लेना है, कॉन्जुगेट लेके ऊपर ज़रब कर देना है और नीचे इसको तकसीम कर देना है, ठीक है। दोनों साइड पे आपने क्या कर देना है, ज़रब और तकसीम कर देना है। इसको आप करोगे तो नौ अगले वाले से तीन मनफी आयोटा से ज़रब होगा और मनफी सात आयोटा इससे ज़रब होगा। अब नौ तीन से ज़रब होगा तो सताईस, ठीक है, और माइनस नौ आयोटा, माइनस सात आयोटा तीन से होगा तो मनफी इक्कीस आयोटा, माइनस और माइनस जमा, ठीक है, और सात आयोटा ज़रब आयोटा क्या हो जाएगा, सात आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से ज़रब, वो क्या हो जाएगा, आयोटा की ताकत दो। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब नौ मनफी आयोटा स्क्वायर, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा की कीमत दर्ज कर देनी है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की कीमत आपने दर्ज करनी है, ये क्या है, मनफी एक, तो यहाँ पे हमने कीमत दर्ज कर दी है, इधर भी हमने कीमत दर्ज कर दी है, ठीक है। कीमत दर्ज करने के बाद क्या है, सताईस को सात से हल कर सकते हैं ना, सताईस मनफी सात क्या हो जाएगा, बीस, और मनफी नौ मनफी इक्कीस, दोनों के साथ मनफी है तो आपने इसको क्या करते हैं, जमा करते हैं ना, दोनों के साथ मनफी हो, तो मनफी नौ और मनफी इक्कीस क्या हो जाएगा, मनफी तीस, बटा नौ जमा एक क्या हो जाएगा, दस। अब फिर वही दस जो है वो दोनों हिस्सों पे तकसीम होगा, क्योंकि इससे पे भी अलग तकसीम होगा और जो उसका इमेजिनरी हिस्सा होगा उस पे भी अलग तकसीम होगा। ये तकसीम होगी, आपने सिफर को सिफर से काट दिया तो ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल बन गई, ठीक है।